बीते बुधवार यानी 31 अगस्त से देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। भगवान गणेश की मूर्ति विराजित करने के बाद 11 दिनों तक गणेश चतुर्थी की धूम बरकरार रहती है। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विघ्नहर्ता और मंगलमूर्ति भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसी कारण सभी चतुर्थी तिथियों में गणेश चतुर्थी का विशेष स्थान है। शिल्पांचल में भी गणेश चतुर्थी की धूम रहती है। कई स्थानों पर पंडालों का निर्माण करवाकर गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं कई घरों में गणेश उत्सव का पालन बड़े धूमधाम के साथ होता है। आसनसोल के उसा ग्राम में रहने वाले सेठ परिवार में पिछले 15 सालों से लगातार गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आसनसोल के प्रसिद्ध व्यवसायी हितेश सेठ और उनकी धर्मपत्नी नीता सेठ श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और इनके गणेश उत्सव आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शुक्रवार को विसर्जन के उपलक्ष्य पर यहां भोग वितरण किया गया। पूरे भारतवर्ष में इन दिनों बप्पा की धूम चल रही है। हर भारतीय के घर पर 11 दिनों के लिए बप्पा का आगमन होता है और लोग धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। शिल्पांचल के आसनसोल में भी गणपति बप्पा की धूम मची हुई है और मैं यहां पर हूं उषा ग्राम में सेठ परिवार के घर पर, जहां पर हर वर्ष धूमधाम से गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और अभी मेरे साथ हैं श्री हितेश सेठ और उनकी धर्मपत्नी नीता सेठ। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो ये गणपति उत्सव किस तरह से आयोजन किया जाता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बापा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे हैं और हमारे घर में बापा आते हैं और बापा सभी के हैं। अच्छा, सब श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद लेते हैं हमारे घर। और हम लोग आज कितने साल से 18 साल हो, इधर 15 साल से कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 15 साल से कर रहे हैं हम लोग। इस वर्ष कितने साल? 15। हाँ, 15 कम्प्लीट है। बापा का आशीर्वाद से रहे तो और भी आगे करते रहेंगे ऐसे ही। उत्साह इस तरह से पहले दिन से तो नहीं, हमें तो समझ लो 1 महीना से मेरा उत्साह हो जाता है। हम प्रचार करते रहते हैं इनका, मतलब बापा आ रहे हैं कमिंग सून, मतलब ऐसे होता है 3 डेज 4 डेज ऐसे रहता है हमारा बोलने का। और पहले दिन में क्या होता है ना, हम लोग एक दिन पहले मोदक बनाते हैं, ऐसे 5 रकम के मोदक, अलग चावल के मोदक बनते हैं, केसर के मोदक, ऐसे 5-6 रकम के चॉकलेट मोदक स्पेशली बच्चे लोगों के लिए। यस, मोदक वो चावल से बनता है, उसमें स्टफिंग वगैरह किया हुआ रहता है। उनका प्रसाद के लिए भोग के एक दिन पहले बनाते हैं, फिर मंडप सजता है उनके लिए। फिर हमारी मूर्ति इको फ्रेंडली है, हम लोग इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं। मतलब हम लोग घर में टब में उनको विसर्जन करते हैं। हाँ, विसर्जन करते हैं। इको फ्रेंडली करना चाहिए, जिसे छोटे छोटे घर में करते हैं ना, तो मतलब क्या ये भीड़ भड़ाका जो होता है ना, उससे थोड़ा कम रहता है। बड़ी मूर्ति तो ऐसे करते ही है तालाब वगैरह, पर छोटी मूर्ति घर में ही करनी चाहिए। क्राउड अराउंड इतना होता नहीं है उसके वजह से, और अच्छा रहता है। कभी मिट्टी की होनी चाहिए, इको फ्रेंडली उसको बोला जाए। काफ़ी क्राउड है अभी आपके घर? हाँ, बहुत क्राउड हमारे घर। तीनों दिन जैसे लग रहा है मेला लगा हुआ है। सवेरे पूजा वूजा होती है, रात को भजन करते हैं, इनके बापा का भजन गाते हैं हम लोग। फिर उस दिन भी सभी लोग, तीनों दिन सब आते रहते हैं, मेले के जैसा लगता है हमारे घर में। और आज हम लोग कढ़ाई दिन रखते हैं ऐसे। आज हम लोग पूजा भजन कीर्तन सब होते हैं, फिर भोग प्रसाद हमारे यहाँ सब प्रसाद लेने आते हैं भगवान पापा का। फिर अभी शाम को हम लोग विसर्जन करते हैं। आज विसर्जन अढ़ाई दिन रखते हैं, इसलिए आज विसर्जन। हमारे साथ जाने माने व्यवसायी हितेश सेठ जी भी है, उनके घर पर बापा विराजित है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूजा का उत्साह रहता है। पूजा का उत्साह बहुत ही हमारे अच्छा रहता है हमारे लिए, और हम लोग हर साल उनका इंतजार करते हैं कि वो जल्दी हमारे यहाँ पधारे और हम उनको अच्छी तरह से स्वागत कर सकें। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज भोग का आयोजन किया गया है। यहाँ हर साल बापा का पूजा का आयोजन किया जाता है, तो कैसा लगता है? हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं सब साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। बापा बैठे हुए रहते हैं, हम लोगों को इतना आनंद आता है यहाँ पे आके। बापा का प्रसाद वगैरह लेते हैं हम लोग, और सब लोग बहुत धूमधाम से एक फैमिली की तरह हम लोग मनाते हैं यहाँ। और हर साल हम लोग को इंतज़ार रहता है कि कब गणपति जी आएँ और हम लोग जल्दी आएँ और सब साथ में मिल के उत्सव करें, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही आनंद आता है। और गणपति बप्पा की तो प्रथम पूजा की जाती है, इनका जन्म दिवस है, तो बहुत ही अच्छे से और उत्साह से मनाते हैं हम लोग सब, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है।
जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम रहती है और महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की, उसी तरह से हितेश सेठ जी के घर पर भी इस तरह का ही कुछ माहौल बना हुआ है और काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे भाई साहब से। जी आपका नाम? मेरा नाम मुरली है, मैं हितेश का फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर तो जब से वो पूजा कर रहा है, हर एक साल आते हैं, पूरे भक्ति भाव से पूजा करती है वो। भाभी जी मिलके बहुत अच्छे से सजावट करते हैं गणपति का। उनका गणपति देख के बहुत आदमी और पूजा के लिए इंटरेस्टेड हो गए हैं। मैं भी गणपति रखता हूँ इनके डेकोरेशन। गणपति के प्रति हमारी श्रद्धा है, भावना है, हर एक साल हम लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। ये 3 दिन मनाता है, मैं 10 दिन मनाता हूँ ये उत्साह हमेशा परंपरा चलते रहे, आगे भी ऐसा चलता रहे मैं चाहूँगा। ये हाँ, ये जो गणपति है, सद्भावना का पूजा है, सबको मिल के रहना चाहिए, सब साथ में रहते हैं, साथ में हम लोग इसी बहाने एक जगह एकत्रित भी होते हैं। और हाँ, आशा करेंगे ये कंटिन्यूस परंपरा चलते रहे। हमें गणपति पापा मूरिया, थैंक यू।